हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियां या डिसऑर्डर के अंतर्गत तीन और वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में, एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। देन नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी टेसेक्स रोग के बारे में। ये तीनों के तीनों डिसीजेज आपके एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी, साथ ही साथ मैं आपको जो है वो इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तीनों ही डिसीज की जो है वो मैकेनिज्म दी हुई है, क्रियाविधि दी हुई है, जिसके थ्रू इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये आप देख सकते हैं विथ डायग्राम, मैंने आपको पीपीटी अरेंज की हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल बेसिक से और एंड तक मैं आपको ये तीनों के तीनों डिसीज के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला है आपका एल्केप्टोन्यूरिया। तो ये जो आपका एल्केप्टोन्यूरिया नामक बीमारी है, इसकी खोज सबसे पहले की गई थी आर्ची बाल्ट गैरोड नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1908 में। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी डिसीजेस कैसे उत्पन्न होती हैं, जीन में म्यूटेशन के कारण, जीन में उत्परिवर्तन के कारण। जब जीन में गड़बड़ी आ जाती है तो आपकी ये तीनों की तीनों डिसीजेस उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं में से एक है आपकी एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है। यह रोग प्रायः 22 जोड़ी गुणसूत्रों में एक अप्रभावी जीन एच के कारण उत्पन्न होता है। अब 22 जोड़ी मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, उनमें आपके 23 23 के पेयर बने होते हैं, जो आपके 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोमल। और जो आपका 23 यानी लास्ट वाला जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल। तो जो आपके 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उन्हीं में से जब गुणसूत्र में हेरफेर होती है और गुणसूत्र के अंदर जो जीन में हेरफेर होती है या गड़बड़ी होती है, तब आपकी एल्केप्टोन्यूरिया नामक जो है वो डिसीज उत्पन्न हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऑटोसोमल विकार है। क्यों है? क्योंकि 22 जोड़ी आपके जो क्रोमोसोम है वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोमल, और उन्हीं में जब एक जीन एच में जब गड़बड़ी आ जाती है तो आपका एल्केप्टोन्यूरिया की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो एल्केप्टोन्यूरिया, इसमें होता क्या है। तो इस रोग में एल्केप्टेन मेलोनिल एसिडिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड जो होता है, इसमें परिवर्तित नहीं हो पाता आपका एल्केप्टेन। तो क्या होता है, जब आपका एल्केप्टेन मेलोनिल एसिटिक एसिड में नहीं परिवर्तित हो पाता है, तो आपके ब्लड में, आपके रुधिर में एल्केप्टेन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज आपकी बॉडी में एक्सचेंज नहीं हो रही है तो उस चीज की आपकी बॉडी में कलेक्ट होता जाएगा, और जब वो कलेक्ट होता जाएगा तो आपकी बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जब आपकी बॉडी में किसी चीज की मात्रा बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है रोग ही उत्पन्न होंगे। तो एल्केप्टेन जो होता है वो आपका मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये आपकी बॉडी में कलेक्ट होता जाता है और ब्लड में इतना ज्यादा हो जाता है कि इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जब इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो आपकी बॉडी में डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो उसी डिसऑर्डर को कहते हैं आपका एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुई होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, कैसे क्या आपका मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या होता है। हमारी बॉडी में पाया जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं में एक होता है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से पाया जाता है आपका टायरोसिन अमीनो एसिड प्रोटीन के रूप में। तो इसमें क्या होता है, मानव शरीर में जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, इसका उपयोग कई प्रकार से होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जल अपचयन में। इन तीनों तरीके से यूज होता है टायरोसिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर। जब टायरोसिन का अपचयन होता है तब आपका मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है।
कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर टायरोसिन का अपचयन, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है, जो आपका टायरोसिन है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंटेड टायरोसिन, ये टायरोसिन क्या करता है, हमारी बॉडी में पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड जो है ये हमारा चेंज हो जाता है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर ही चलती है। तो सबसे पहले टायरोसिन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट था वो चेंज हो गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में। देन इसके बाद ये जो आपका पाइरुविक एसिड है ये चेंज हो गया डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आपका बना डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड। इसके बाद क्या होता है, ये जो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड है ये आपका होमोजेनेटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो आपका होमोजेनेटिक एसिड है यही कहलाता है एलकैप्टेन। ठीक है, एलकैप्टेन का ही दूसरा नाम है होमोजेनेटिक एसिड, या फिर होमोजेनेटिक एसिड का ही दूसरा नाम है एलकैप्टेन। तो इस टाइप से आपकी बॉडी में एलकैप्टेन का निर्माण हो जाता है, जो कि एक एंजाइम होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज की उपस्थिति में मेलोनिल एसिटो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका होमोजेनेटिक एसिड या फिर एलकैप्टेन बना, यही आपका एक एंजाइम जो कि है होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में मेलोनिल एसिटो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस टाइप से आपकी बॉडी के अंदर मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ मेलोनिल एसिटो एसिड का निर्माण आपकी बॉडी में कैसे हुआ टायरोसिन से, पूरा का पूरा ये आपका मैकेनिज्म चलता है। सबसे पहले आपका जो टायरोसिन है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज होता है। देन इसके बाद जो आपका पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पाइरुविक एसिड है ये आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड में चेंज होता है। इसके बाद ये जो आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुविक एसिड है ये आपका होमोजेनेटिक एसिड या फिर एलकैप्टेन में परिवर्तित होता है। देन लास्ट में जो आपका एलकैप्टेन बना या फिर होमोजेनेटिक एसिड बना ये आपका होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलोनिल एसिटो एसिटिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी बॉडी के अंदर मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी बॉडी में मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड का निर्माण। अब बात आती है कि ये जो रोग है ये आपकी बॉडी के अंदर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जीन है, जीन का नाम है जीन एच, जब इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो आपका जो मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड है इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो सुनिएगा क्या होता है, अप्रभावी जीन एच के समयुग्मजी अवस्था में गड़बड़ी होने के कारण होमोजेनेटिक एसिड या फिर एलकैप्टेन मेलोनिल एसिटो एसिटिक का निर्माण नहीं कर पाता है, इसमें परिवर्तित नहीं हो पाता है, इसीलिए आपके शरीर में एलकैप्टेन इकट्ठा होने लगता है। जब आपके शरीर में एलकैप्टेन इकट्ठा होने लगता है तो इसकी मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है, जिससे आपकी ये डिसीज उत्पन्न हो जाती है। एक बार और मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, ये जो आपका अप्रभावी जीन एच है इसकी समयुग्मजी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इस कारण से ये जो आपका एलकैप्टेन है जीन एच की गड़बड़ी के कारण मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता। जब ये इसमें नहीं परिवर्तित हो पाता तो ये जो आपका एलकैप्टेन है ये बॉडी में जमने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, इस वजह से ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, बीमारियां देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। तो इसी रोग को कहते हैं क्या, एलकैप्टोन्यूरिया। देन इसके बाद दिया गया है, इस स्थिति को कहते हैं एलकैप्टोन्यूरिया। ठीक है, एलकैप्टोन्यूरिया में क्या हुआ, आपका एलकैप्टेन जो है इसका जमाव बॉडी में होने लगता है। ठीक है, अब इसका जमाव बॉडी के अंदर होगा तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर भी निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो हमें जो है वो इसके लक्षण दिखाई देंगे। तो क्या होता है, ये जो एलकैप्टेन है ये हमारी बॉडी में जमा हुआ है,
ये हमारा यूरिन की सहायता से बाहर निकलता है। जब ये हमारा यूरिन की सहायता से बाहर निकलता है तो जैसे ये बाहर निकलता है और वायु के कांटेक्ट में आता है तो आपका जो यूरिन है वो ब्लैक रंग का हो जाता है। ब्लैक कलर का जैसे ये यूरिन आपका वायु के कांटेक्ट में हो जाता है तो ये इसका लक्षण होता है काय का, एलकैप्टोन्यूरिया का, ठीक है। इसीलिए इसे ब्लैक यूरिन डिसीज या फिर काला मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो एलकैप्टेन का जमाव होता जाता है। एलकैप्टेन का जमाव क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आपका एलकैप्टेन है वो आपका मेलोनिल एसिटो एसिटिक एसिड में जो है वो चेंज नहीं हो पाता। जैसे ही इसमें चेंज नहीं हो पाता तो एलकैप्टेन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाता है। इकट्ठा होता जाता है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ी तो ये हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है। और जैसे ये बाहर आता है तो वायु के कांटेक्ट में आने से ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है हमारा यूरिन। तो ये इसका सिम्टम्स होता है काय का, एलकैप्टोन्यूरिया का, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं काला मूत्र रोग या ब्लैक यूरिन डिसीज। ये है इसका डायग्राम जो कि पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, कैसे आपका टायरोसिन से मेलिनो एसिटो एसिड का निर्माण हुआ और कैसे नहीं हुआ, ठीक है। जब नहीं होता तो आपका जो है वो एलकैप्टोन्यूरिया की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये हुआ आपका पहला रोग जो कि है एलकैप्टोन्यूरिया। सारी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई कैसे क्या इसका फॉर्मेशन होता है और कैसे क्या इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इस रोग को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है ब्लैक यूरिन डिसीज, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये डिसीज क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप की जो कि है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी आपका जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ये है इसका डायग्राम। इस डायग्राम में अभी आप केवल इतना समझिए कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक नॉर्मल इंसान है, उसके शरीर में फिनाइल एलिनिन से टायरोसिन का निर्माण होता है। और ये जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसको जो है वो PKU के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो PKU से ग्रसित व्यक्ति होता है इसके शरीर में फिनाइल एलिनिन से टायरोसिन का निर्माण नहीं हो पाता है। ये आपका क्रॉस का निशान भी दिख रहा होगा डायग्राम में। तो जो आपका PKU से ग्रसित व्यक्ति होता है इसके शरीर में टायरोसिन का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी ये जो डायग्राम है इसे मैं आपको आगे और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह भी एक ऑटोसोमल विकार है। ऑटोसोमल मतलब जो आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में से 12वें नंबर के जो गुणसूत्र है उसमें एक अप्रभावी जीन पी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। एलकैप्टोन्यूरिया में दूसरा जीन था और जो आपका PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसमें आपका अप्रभावी जीन होता है जीन पी। जब आपके 12वें जोड़े गुणसूत्र में अप्रभावी जीन पी में गड़बड़ी आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, तो आपका PKU की सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी सबसे पहले डॉक्टर विलार्ड सेंटर वाला नामक साइंटिस्ट ने। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब हम देखते हैं ये रोग होता कैसे। तो एक अप्रभावी जीन पी के समयुग्मजी यानी होमोजाइगस स्थिति में होने पर आपके शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम का उत्पादन में बाधा आती है, जिसके कारण टायरोसिन का परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका जो टायरोसिन है इसमें परिवर्तित नहीं हो पाता। कौन? आपका फिनाइल एलेनिन। इसीलिए आपका ये रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो आपका फिनाइल एलेनिन है ये आपका टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता PKU से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में, ठीक है। जबकि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, कैसे हमारे शरीर में सबसे पहले टायरोसिन का निर्माण होता है, देन इसके बाद जब रोगी इस डिसीज से ग्रसित हो जाता है तो कैसे इसके शरीर में टायरोसिन का निर्माण नहीं होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके शरीर में टायरोसिन का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। हमारी जो बॉडी है इसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का उपापचय 3 बार होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर
फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड पाया जाता है, इसमें तीन टाइप की रिएक्शन होती हैं या तीन प्रकार से इसका उपापचय होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो फिनाइल एलेनिन है, इसका कोशिकीय प्रोटीन में परिवर्तित होता है। इसके बाद अन्य अमीनो एसिड जैसे कि टायरोसिन में भी इसका परिवर्तन होता है। इसके बाद फिनाइल पाइरूविक एसिड में भी जो आपका फिनाइल एलेनिन है वो परिवर्तित होता है। तो ये तीन टाइप से आपका जो फिनाइल एलेनिन है इसका उपापचय होता है। ठीक है, ये आप मैकेनिज्म में देख सकते हैं। फिनाइल एलेनिन इसका उपापचय तीन टाइप से होता है, देन आपका टायरोसिन का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन जो पीकेयू से ग्रसित व्यक्ति है उसके शरीर में टायरोसिन का निर्माण नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग कैसे उत्पन्न होता है। एक अप्रभावी जीन पी की समयुग्मजी यानी होमोजाइगस दशा में होने के कारण हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम का उत्पादन में बाधा आती है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता। ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये सारी के सारी प्रॉब्लम हो रही है आपके जीन में गड़बड़ी के कारण। जीन पी यहाँ पे रोल प्ले करता है। जीन पी यहाँ पे जब इसमें परिवर्तित अच्छे से नहीं होता है तब आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया का रोग देखने को मिलता है। फिनाइल एलेनिन जो है ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम में परिवर्तित नहीं हो पाता। जब ये इसमें परिवर्तित नहीं हो पाता तो आगे चल के ये टायरोसिन में भी परिवर्तित नहीं हो पाता। जब ये हमारे शरीर में टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता तो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर कहा जाए तो पीकेयू की सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, यही कहा गया है, इस स्थिति को पीकेयू या फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। आपको क्लियर हुआ क्या होता है? इसमें जो आपका जीन पी है इसमें गड़बड़ी आ जाती है। जब इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो आपका फिनाइल एलेनिन जो है फिनाइल हाइड्रोजिलेज में परिवर्तित नहीं हो पाता या फिर कहा जाए तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिनेन के बनने में बाधा आती है। जब यही नहीं बन पाता तो आगे चल के हमारा इससे जो है वो टायरोसिन का निर्माण भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस स्थिति को कहते हैं पीकेयू या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, देन इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको इसके लक्षण क्या क्या इसमें लक्षण ग्रसित होते हैं इस रोगी से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में। सबसे पहला है, इस रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनकी सबसे पहले मेंटल स्थिति बेकार हो जाती है। इस रोग से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, पीड़ित व्यक्ति के जो शरीर में जो पेशियां होती हैं उसकी गति अनियंत्रित हो जाती है। त्वचा में जो बाल होते हैं उनका जो कलर है वो हल्का हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, फिनाइल एलेनिन रुधिर में एकत्रित होकर यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लगता है। ये भी आपका यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लगता है यानी यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शुरुआत में बताया था, नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में जो है वो आपका फिनाइल एलेनिन है ये आपका टायरोसिन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो आपका पीकेयू से ग्रसित व्यक्ति है इसके शरीर में जो फिनाइल एलेनिन है ये आपका टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता। क्यों परिवर्तित नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पर एक जो जीन है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, वो जो है वो अच्छे से अपना रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए ये आपका टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता। इस वजह से आपकी कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं जो कि मैंने आपको ये बताई हुई है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पीकेयू यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हम देखते हैं लास्ट डिसीज जो कि आपकी टे सेक्स डिसीज, इसे टे सैच डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। अब सेक्स लिखा है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्रोमोजोम से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी मेंटल डिसीज है, ये आपकी मस्तिष्क से रिलेटेड डिसीज होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और इस रोग का और इस रोग से रिलेटेड जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप जो है वो गुणसूत्र से रिलेटेड ऑप्शन टिक कराते हो, बट ये जो आपकी टे सेक्स डिसीज है ये आपकी मस्तिष्क से रिलेटेड डिसीज होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले ये जो आपकी डिसीज है ये GM2 या फिर गैंग्लियोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। टे सेक्स डिसीज को GM2 गैंग्लियोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
इसके बाद कहा गया है ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसा कि मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ। देन इसके बाद कहा गया है ये जो आपका रोग है ये जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो आपका रोग है मस्तिष्क से जुड़ी समस्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है ये आपका टेसेक्स रोग। इसके बाद कहा गया है इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन अर्थात रोगी के संवेदन करने की जो क्षमता होती है उसमें धीरे धीरे हानि होती जाती है। संवेदन करने की क्षमता अर्थात लॉस ऑफ सेंसेशन क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज को छूते हो, मान लीजिए आपने आग को छुआ तो आप जल्दी से हाथ हटा लेते हो, वही होती है आपकी सेंस करने की क्षमता। तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन यानी सेंस करने की जो क्षमता होती है उसमें धीरे 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 लॉस होता जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, मंद बुद्धि का होता जाता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको इसकी मैकेनिज्म, इसमें होता क्या है, टे-सेक्स रोग होता कैसे है। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं वो आपकी लाइसोसोम के अंदर चलती हैं। इससे पहले वाली जितनी भी मैंने आपको डिसीजेस, जितनी भी मैंने आपको रोग बताए थे उनमें जो रिएक्शन चल रही थी वो सारी आपकी बॉडी के अंदर चल रही थी, लेकिन जो आपका टे-सेक्स रोग है इसमें क्या होता है, इसकी जो रिएक्शन, इसकी जो अभिक्रियाएं चलती हैं वो आपकी लाइसोसोम के अंदर चलती हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस रोग में जो रिएक्शन चलती हैं, सबसे पहली बात ये रिएक्शन आपके लाइसोसोम के अंदर चलती हैं। क्या होता है लाइसोसोम के अंदर, जो सामान्य मनुष्य होता है इसमें जो गैंग्लियोसाइड लिपिड पाया जाता है इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो मौजूद होता है, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन होता है इसके शरीर में गैंग्लियोसाइड लिपिड पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका गैंग्लियोसाइड लिपिड है ये टूटता है, ये टूटता कैसे, एक एंजाइम की सहायता से ये आपका गैंग्लियोसाइड जो लिपिड है ये टूटता है, और नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये जो लिपिड है इसको तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो इसको तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है हेक्सोअमाइनेज। हेक्सोअमाइनेज जो एंजाइम है ये आपका उपस्थित होता है, इसको हेक्सोअमाइनेज ए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो आपके गैंग्लियोसाइड लिपिड को तोड़ता है और नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं गैंग्लियोसाइड GM2, इसको तोड़ने वाला एंजाइम हेक्सोअमाइनेज ए प्रेजेंट होता है नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में, जो कि GM2 को GM3 यानी गैंग्लियोसाइड GM3 में तोड़ देता है, और ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी लाइसोसोम के अंदर होती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ, ये सारी रिएक्शन लाइसोसोम के अंदर होती है। नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में हेक्सोअमाइनेज ए एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि GM2 को GM3 में तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है ये रोग उत्पन्न कैसे होता है। तो ये जो रोग है जीन में गड़बड़ी होने के कारण लाइसोसोम के अपापचय एंजाइम हेक्सोअमाइनेज ए के अभाव के कारण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप GM2 GM3 में परिवर्तित नहीं हो पाता है और शरीर में विशेष रूप से मस्तिष्क में एकत्रित होने लगता है, जिससे आपके मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और इसी को कहते हैं टे-सेक्स रोग। क्या होता है, जो आपका GM2 है वो GM3 में परिवर्तित नहीं हो पाता। क्यों परिवर्तित नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक एंजाइम प्रेजेंट था हेक्सोअमाइनेज ए एंजाइम, ये आपका अनुपस्थित होता है। ये आपका अनुपस्थित क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक जीन जो है वो वर्क करता है, उस जीन में जब गड़बड़ी आ जाती है तो आपका ये जो एंजाइम है ये अनुपस्थित हो जाता है, और जब ये एंजाइम अनुपस्थित हो जाता है तो आपका ये जो GM2 है गैंग्लियोसाइड ये आपका GM3 में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और ये आपके मस्तिष्क में जो है वो एकत्रित होने लगता है। जैसे ही आपका मस्तिष्क में एकत्रित होने लगता है तो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और इसी डिसीज को कहते हैं क्या, टे-सेक्स रोग डिसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इसके बाद कहा गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में GM2 के संचित हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मानसिक मंदता, मेंटल डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया मानसिक आशक्तता देखने को मिलती है,
जो बच्चा होता है, जो ह्यूमन होता है, उसके अंदर जो है वो मानसिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मंद बुद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। इसके बाद अंधापन, उनकी आंखों में भी डिफेक्ट देखने को मिलता है, पेशीय आसक्तता जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं, और जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, उसकी 2 से 3 साल में जो है वो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे लक्षण, ये सारे सिम्टम्स जो है वो टे-सेक्स रोग के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो रोग है, इसकी सारी रिएक्शन आपकी लाइसोसोम के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, जो गैंग्लियोसाइट GM2 है वो GM3 में परिवर्तित नहीं हो पाता। क्यों परिवर्तित नहीं हो पाता? क्योंकि GM2 को GM3 में परिवर्तित करने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है रोगी के शरीर में। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि जो एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, वो जीन में जब गड़बड़ी आ जाती है तो आपका एंजाइम जो है वो अनुपस्थित हो जाता है। इसीलिए आपका GM2 GM3 में परिवर्तित नहीं हो पाता। और आपका GM2 GM3 में जब परिवर्तित नहीं हो पाता तो आपका जो गैंग्लियोसाइड है, ये आपके मस्तिष्क में एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण आपके मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों डिसीज मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में बताया, देन मैंने आपको PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बताया, देन इसके बाद मैंने आपको TSH रोग के बारे में बताया। आशा करती हूँ तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। तीनों में से किसी में भी आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके बाद आपको किस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके अंतर्गत सारे जो वीडियोज़ हैं उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो आप वहां से जाकर सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।